नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम को लेकर योगी सरकार के उठाए गए कदमों की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सराहना की। साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सिस्टमैटिक टेस्टिंग के लिए कई अहम सुझाव भी दिए। कोर्ट ने कहा है कि घर से बाहर निकलते ही लोगों के मन में ये डर बना रहता है कि कोई भी कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। इस पर नियंत्रण के लिए कोर्ट ने राज्य सरकार को कई सुझाव दिए और इस पर सरकार को विचार करने और 25 जून को ब्लूप्रिंट तैयार कर कोर्ट में पेश करने का भी निर्देश दिया। दरअसल जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को कुछ और सुझाव भी दिए। कोर्ट ने कहा है कि केवल उसी व्यक्ति को बाहर जाने की छूट हो जो जांच में इन्फेक्टेड ना पाया गया। इसके साथ ही राज्य सरकार को टेस्टिंग बढ़ाने के साथ प्रयागराज को सैंपल के रूप में लेते हुए लोगों की जांच घर पर जाकर करने का सुझाव दिया, क्योंकि सेंटर पर भीड़ लगने से इन्फेक्शन बढ़ने की आशंका रहती। बताते चले कि कोरोना को लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ काफी सक्रिय रहते हैं और रोजाना टीम 11 के अधिकारियों के साथ पिछले 24 घंटे की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक करते हुए जरूरी दिशा निर्देश भी देते हैं। साथ ही समय समय पर सीएम योगी खुद स्थलीय निरीक्षण कर कोरोना से निपटने के लिए प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा करते हैं। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट का यूपी सरकार की तारीफ करना और कई अहम सुझाव देना इस बात को साफ करता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बेहतर काम किया है।